रिव्यूज सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ पूजा। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नागपुर में 5 साल की लापता बच्ची का शव पानी के टैंक में मिला। नागपुर गुरुवार दोपहर कथित तौर पर लापता हुई 5 साल की एक बच्ची का शव बैलतोरणी थाना के पास के इलाके में एक खुले पानी के टैंक में मिला। मृतक की पहचान बैलतोरणी निवासी ज्योति साहू के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ज्योति गुंगी थी। दोपहर में ज्योति बाहर खेलने चली गई थी। पुलिस को संदेह है कि शायद वह खुले टैंक में फिसल गई और डूब गई, जो शाह निवास के ठीक सामने थी। काफी समय बीत जाने के बाद जब ज्योति घर नहीं लौटी तो उसके माता पिता उसके बारे में पूछा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने गुमशुदगी की शिकायत लेकर बैलतरोड़ी पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाया। इनपुट्स पर तेजी से कार्यवाही करते हुए पुलिस हरकत में आ गई। हालांकि उनका शिकार एक त्रासदी के साथ समाप्त हो गया, क्योंकि उन्होंने ज्योति के शरीर को टैंक में तैरते हुए पाया। बिग बॉस 16 फिनाले से पहले घर में होगी रोहित शेट्टी की ग्रैंड एंट्री। आने वाले रविवार को ये साफ हो जाएगा कि आखिर बिग बॉस सीजन 16 के ट्रॉफी का असली हकदार कौन है। सोशल मीडिया पर हर कोई अपने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ट्रॉफी तो किसी एक के ही नसीब में होगी। शो का ग्रैंड फिनाले काफी धमाकेदार होने वाला है। शनिवार से ही जश्न का आगाज शुरू हो गया है। बीते दिन घर में प्रियंका और शालिन को बिग बॉस ने उनके यादगार सफर याद दिलाया। अपने सफर को और जनता से मिले प्यार को देखकर प्रियंका और शालिन की आंखें नम हो गई। वहीं आज शिव, एमसी और अर्चना की एवी दिखाई जाएगी, जिन्हें देखकर तीनों अपने इमोशन पर काबू नहीं रख पाए गए। कंटेस्टेंट का इमोशनल होना लाजमी भी है। एक लंबा सफर उन्होंने इस घर में तय किया है। वही शो में बॉलीवुड फिल्म एक्टर रोहित शेट्टी भी शिरकत करेंगे। सामने आए प्रोमो में देखा जा सकता है कि रोहित शेट्टी कंटेस्टेंट के लिए खतरा लेकर घर के अंदर धमाकेदार एंट्री करेंगे। अब मुंबई से शिरडी और सोलापुर तक दौड़ेंगी वंदे भारत। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस और मुंबई साईनगर शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस दोनों ट्रेनों को हरी झंडी दिखा दी है। भारतीय रेलवे की 9वीं और 10वीं वंदे भारत एक्सप्रेस सिद्धेश्वर, शिरडी और त्र्यंबकेश्वर के तीर्थ नगरों को जोड़ेगी। पीएम मोदी आज दोपहर को करीब 3 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से दोनों ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस एक सेमी हाईवे स्पीड एसी चेयर कार ट्रेन सेवा है। शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह से 6:20 से प्रस्थान करेगी और 5:20 में 11:40 में शिरडी नगर पहुंच जाएगी। यह दादर, ठाणे और नासिक रोड पर रुकेगी। वापसी की यात्रा में शिरडी मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस साईनगर शिरडी से शाम 5:30 प्रस्थान करेगी और 5:20 में रात 10:45 मुंबई पहुंचेगी। मुंबई साईनगर शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रा करने वालों को चेयर कार और एग्जीक्यूटिव चेयर कार सीट के लिए क्रमशः ₹975 और ₹1840 का भुगतान करना होगा। इन किरायों में खान पान शामिल नहीं होगा। बिना कैटरिंग के चेयर कार और एग्जीक्यूटिव चेयर कार किराया क्रमशः ₹840 और ₹1670 हो जाएगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार।